हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि भाई मेरे पास एक भाई का कमेंट आया है, उस कमेंट को पढ़ा तो बीच में तो मेरे को कम समझ में आया, लेकिन पूरा पढ़ने पर मेरे को यही समझ में आ रहा कि भाई ने 4 महीने तक अब्दुल्ला पठान की दवा खाई तब फ़ायदा किया, फिर इसके बाद अब्दुल्ला पठान का दवा भाई को नुकसान करने लगा अचानक। ठीक ना, जो भी प्रॉब्लम है भाई मैं कमेंट को लगा दे रहा हूँ, आप लोग भी समझ लेना क्या कहना चाहते हैं भाई और भाई का प्रॉब्लम क्या है। ये कमेंट पढ़ते हैं फिर समझ में आ गया कि भाई को कैसा क्या सलाह दें। लिखे हैं श्रवण भाई, मैं अब्दुल्ला पठान का दवाई खा रहा हूँ 4 महीने से, लेकिन पहले मैं यहाँ नहीं समझ में आ रहा दोनों का ऐसा कुछ लिखे, जब लिया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, तब मेरे को महीने से एक बार नहीं होता था, लेकिन तब से मन की दवाई लिए लिए हुए तब से मेरे को 7 दिन या 4 या 5 दिन बाद बिना फॉल्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, बाहर किया हूँ ऐसा कुछ लिखे हैं, फिर राइस भी नहीं खाता, रोटी भी नहीं खाता, बैंगन की सब्जी भी नहीं खाता, कोई भी नॉन वेज नहीं खाता तो भी मेरे को होता है, इसका क्या रीज़न है एक बार वीडियो में बता दो भाई। देखो भाई, आपका जो प्रॉब्लम है मैं पढ़ा हूँ, तो आपका प्रॉब्लम तो भाई इतना है कि आप जो है राइस भी वैसे भी नहीं खाना, ना तो अदर जगह दवा कराओगे ना तो राइस के लिए मना कर दिया जाता है, और नॉन वेज के लिए भी मना कर दिया जाता है, और आलू सब्जी और कोई भी ऐसा चीज़ जो बादिल करता हो तो इस सब चीज़ को खाने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ की दवाई में अब्दुल्ला पठान की दवाई में ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई आपको रोटी तो खाना चाहिए भाई, बस ऑयली वाला परेठा वाला ना होना, नॉर्मल रोटी खा सकते हो भाई, तब भी भाई को जो है 4 महीने तक तो फ़ायदा किया, फिर इसके बाद भाई को नुकसान करने लगा है। ठीक ना, जो भी फॉल्ट वाला ना जो प्रॉब्लम है भाई, भाई को नाइट वाला प्रॉब्लम है, लगभग यही समझ में आ रहा मेरे को, ये यहाँ लिखे हैं फॉल्ट ऐसा कुछ लिखे हैं। ठीक ना, तो भाई आपको यही सलाह देना चाहता हूँ भाई, आप ठीक ना आसपास के हो तो अब्दुल्ला पठान के पास चले जाओ और वहाँ अपना प्रॉब्लम बताओ, बोलो कि मेरे को इतने तक तो दवा फ़ायदा किया, फिर इसके बाद मेरे को जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ गया। ठीक ना, जैसा भी है प्रॉब्लम बता दो, ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ गया भाई, तो वो आपको ना दवा दूसरा देंगे, ऐसा नहीं कि फिर से फीस लेंगे, नहीं भाई, वही प्राइस पर वही रेट पर आपको दूसरा दवा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं दूर के हैं तो भाई आप कॉल पे बात करके या जैसा भी है वो कहें वैसा कर दो भाई। ठीक ना, नहीं तो मेरा मानना यही कि भाई आपको नहीं तो अब अब्दुल्ला पठान के दवा सूट नहीं करेगा, दवा आपको जो दवा ली है ना वो आपको सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से वो भाई आपको नुकसान कर रहा है, या तो गलतियां आपके खाने पीने में हैं, या तो दवा अब्दुल्ला पठान का दवा या तो आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक ना, दोनों में से एक कारण है, या आप नाइट जो है नाइट में ज़्यादा मत जगे, अगर जग रहे हैं तो जल्दी सोएं भाई, ये भी कमी हो सकता है, जो इस चीज़ से प्रॉब्लम से जूझ रहे ना भाई उनको अच्छी नींद लेना चाहिए। ठीक ना, जल्दी नींद लेना चाहिए, और भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है भाई, या नहीं है या आपको कहीं खाने पीने में प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, या तो आप वो दवा सूट नहीं कर रहा चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो ये दवा आपको बंद कराना पड़ेगा, दूसरे जगह से दवा कराना पड़ेगा भाई, यही एक रास्ता है, आप वहाँ चले जाइए या तो फ़ोन से वहाँ बात कर लो भाई, जो भी जैसा वो बता देंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, मेरे तो यही समझ में आ रहा है। और प्रॉब्लम 4 या 5 दिन बिना फॉल्ट हो जा रहा है, ठीक ना, ऐसा कुछ लिखे हैं। ठीक है, और देखो खाने पीने में तो भाई ने सही सही परहेज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई यही है कि यार बस आपको इसके अनुसार भाई मैं अपना रीजन बता दिया हूँ, जो भी हो यार जैसा है यही है कि दवा चेंज करा लो, बस यही कह सकता हूँ, नहीं तो दवा ये आपको सूट नहीं करने वाला, नहीं तो प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत जगह का दवा जो है ना बहुत लोगों को नहीं फ़ायदा करता। ठीक ना, ये नहीं कि सबको दवा वही फ़ायदा कर जाए, लेकिन नहीं,
कुछ जगह को दवा नहीं फायदा करता, जैसे मेरे साथ भी होता था, या कुछ दवा जगह का दवा मेरे को नहीं फायदा करता, तो उसी उसी तरह या आपको भी है भाई, पहले तो फायदा किया बाद में नुकसान कर रहा, तो आप सलाह ले लें, नहीं तो कहीं दूसरी जगह करा सकते हैं। बस इतना है कि भाई इस चीज़ को इग्नोर मत करना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इग्नोर मत करना, और कहीं ना कहीं से आप दवा लेते रहें, वो धीरे धीरे जाके ठीक होगी, एकदम से नहीं ठीक होगा भाई, ता जान लो। कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि एक अंग्रेजी दवा तुरंत ठीक हो जाएगा, ना प्रॉब्लम बहुत दिन का है तो धीरे धीरे सही होगा, अगर कम प्रॉब्लम है भाई तो तुरंत सही हो जाएगा। ये है, बस यही सलाह देना चाहता हूँ भाई, और वीडियो यहीं तक है, यही समाप्त करते हैं। ओके।